meant to be in the great outdoors, forever free. तो गाइस हम डिस्किट से निकल पड़े हैं, चल रहे हैं अब वापसी। और ये ऊपर गौतम बुद्ध का स्टैचू, गर्मी बहुत है भाई, पसीना पसीना हो गया यार। नीचे इनर पहना हुआ है, ऊपर से ये 25 किलो की जैकेट, बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ये नुब्रा वैली, आप देख रहे हैं नुब्रा वैली। और हम चल पड़े हैं वापसी, वापसी नहीं आगे, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए। त्याक्षी गांव जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का एक जगह है, गिलगित बाल्टिस्तान, और उससे ज़्यादा फेमस है तुर्तुक गांव पहले पड़ेगा, और त्याक्षी आगे लास्ट गांव है, आखिरी। और उसके बाद एक पोस्ट होती है जहाँ लास्ट टाइम मैं गया था 2018 में, वो अभी शायद अलाउड नहीं कर रहे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आई थिंक। तो समय हुआ है 5:02, तो त्याक्षी का जो डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर होना चाहिए अभी भी, तो हमें मोर देन 2 आवर्स लगने वाले हैं। अगर नॉन स्टॉप चलेंगे तो 2 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2018 में तो रोड बहुत ही मस्त रोड थी, बहुत साफ़ सुथरी रोड थी। तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि रोड अच्छी मिलेगी, क्योंकि पूरी आर्मी का एरिया है और आर्मी आती जाती रहती है उस रोड पर, इस वजह से। तो ये देख लीजिए बुद्धा स्टैचू, और गेट से हम वापसी जा रहे हैं। नुब्रा वैली जिस चीज़ के लिए फेमस है, ये देखिए सामने सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। नुब्रा वैली इसीलिए फेमस है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत हैं यहाँ पे। और जो हुंदर है, हुंदर में भी काफ़ी सैंड ड्यून्स हैं, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी होती है, जैसे कैमल राइड वगैरह और भी कई एक्टिविटीज़ करवाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर फोटोग्राफी कीजिए, और खूब इवनिंग में तो काफ़ी वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। और ये देखिए, ये है सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, जो कि फेमस हैं नुब्रा वैली। ये देखिए सामने कितने रेत के टीले हैं, यहाँ पे पूरी रेत ही रेत है। और ये नुब्रा वैली जो है वो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है इसको। तो ये देखिए सामने, अभी हम डेजर्ट के अंदर से निकल रहे हैं इस समय, दोनों तरफ रेत के टीले हैं और बीच से हम निकल रहे हैं। और हुंदर है आगे लगभग 6-7 किलोमीटर हो रहा है हुंदर, लेकिन हमने हुंदर नहीं रुकना, हम आगे निकल जाएंगे। आज तुर्तुक से आगे जो गांव है त्याक्षी, हुंदर 3 किलोमीटर है सिर्फ। लद्दाख सैंड ड्यून्स ये है, देखिए व्यू पॉइंट, पीछे सारे कैंपिंग साइट्स हैं, कैंप लगे हुए हैं रुकने के लिए, एक्टिविटीज़ हैं और एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। डबल हम्प कैमल राइड भी होती है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है नुब्रा वैली। हुंदर में आप सभी का स्वागत है, हम पहुँच गए हैं हुंदर में। और ये कैंपिंग के लिए जाना, तो ये आपको राइट जाना पड़ेगा, हुंदर राइट। तो यहाँ जाना पड़ेगा हुंदर के लिए आपको राइट, हम सीधे जाएंगे तुर्तुक, 77 किलोमीटर है तुर्तुक। तो ये रास्ता तुर्तुक को जाता है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का पार्ट है। वेलकम टू हुंदर ब्रिज, तो ये हुंदर ब्रिज है। और आसपास देखिए कितना बढ़िया है स्तूपास चारों तरफ हमारे। तो बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है गिलगित बाल्टिस्तान। और
ये तीन गांव हमने 1971 में वापस लिए थे पाकिस्तान से, त्याक्षी, तुरतुक और एक और गांव। ये तीन गांव लिए थे वापसी 71 की लड़ाई में पाकिस्तान से। लेकिन एक सेटबैक हुआ कि जो भी इन गांवों के रिश्तेदार थे, जो पाकिस्तान में था पाकिस्तान में रह गया, जो इंडिया में था इंडिया में रह गया, फिर उनको मिलने का मौका नहीं मिला। पीछे एक स्टोरी सुनी थी कि नदी में बह के वो पाकिस्तान चली गई थी मिलने, तो ऐसी बहुत ही सैड स्टोरीज हैं। पानी 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 कहाँ से बह रहा है, ये इतना सारा पानी आ गया यहाँ पे, नाले का रास्ता टूट गया लग रहा है। ये नाले में जाना था और नाले का रास्ता टूट गया और इतना पानी बह रहा है सड़क के ऊपर, पूरा पैर गीला हो गया। तो कहीं ये देख लिए, व्यू देख लीजिए, ऑन द वे टू तुरतुक त्याक्षी, यहाँ भी नाला बहा होगा। ओहो है नाला यहाँ, सूख गया। व्यू देखो यार, चारों तरफ का व्यू देखो, पहाड़ देखो, कितने प्यारे पहाड़ हैं ये, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं। गजब के शाम के समय ये बहुत ही वाटर क्रॉसिंग बन गई है, जबकि पिछली बार आए थे तो कोई एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली हमें। इस बार जब बहुत ज़्यादा ही आइस मेल्ट हो रही है, शाम को हो ही जाती है। देखिए चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, सड़क के ऊपर आ जाएगा ना पानी, सड़क खराब कर देता है, सड़क इतनी जल्दी बनती नहीं फिर इनसे। It's so beautiful, you and me. We met. स्कूरू गांव, तो ये है स्कूरू गांव। बच्चे हम स्कूरू गांव पहुंच गए हैं। ओहो कुदा दिया ब्रेकर, बहुत ऊंचा ब्रेकर है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। चांगमार बहुत ही शानदार व्यू, फोटो ले लेते हैं। एक तो पहले सिंगल लेन रास्ता था, इसको अब डबल किया जा रहा है आई थिंक। अब सही आ गया, अब एक ब्रिज, एक या दो ब्रिज और क्रॉस करने हैं हमने अभी। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. हम पहुंच गए हैं तुरतुक विलेज में, ये मेरे पीछे देखिए पूरा तुरतुक विलेज है, ये सामने देखिए ये पूरा तुरतुक विलेज है। और तुरतुक में हम एंटर कर चुके हैं, समय बता दूं मैं 7:25, ढाई घंटा हो गया मैं, मतलब कि डिस्किट से चले हुए, और टू आवर एंड 25 मिनट्स में हम तुरतुक में पहुंच गए हैं।
जबकि बहुत खींची हमने। तो अभी हमारे दोनों भाई आ जाते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। ये है तुरतुक विलेज, तुरतुक वैली रेस्टोरेंट। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ रेस्टोरेंट और होम स्टे बन गए हैं तुरतुक में भी। और तुरतुक को हम क्रॉस कर रहे हैं, तुरतुक के बाद आएगा तेयाक्षी आखिरी विलेज, जो कि पीओके के बिल्कुल साथ में है। वहाँ से बिल्कुल पीओके की पोस्ट, पाकिस्तान की पोस्ट नज़र आती है वहाँ से। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान का पार्ट है, जो तुरतुक और बाल्टी कल्चर है यहाँ पे। बाल्टी बहुत ही पुराना इतिहास है बाल्टी का, और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और 1971 में ये पाकिस्तान से वापस ले लिया था इंडिया ने, और लद्दाख की जो आर्मी थी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था। यहाँ से 4 किलोमीटर है तेयाक्षी। ये तेयाक्षी गांव आई थिंक आ गया है, लेकिन इससे पहले ये बीएसएफ का बॉर्डर भी आएगा। तेयाक्षी, वेलकम टू बॉर्डर विलेज तेयाक्षी। तो तेयाक्षी में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं तेयाक्षी में, और मुझे बताया कि वो बॉर्डर पार करके आई थिंक लेफ्ट में गांव। अभी ये बॉर्डर आ गया आगे, तो आगे बीएसएफ की चेक पोस्ट है, वहाँ से आगे बंद किया हुआ है टूरिस्ट के लिए। और 2018 में मैं तो गया था यहाँ इसको आगे से। एक आखिरी पोस्ट है हमारी, वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। थांग विलेज कहते हैं उसको, थांग। वहाँ तक हम गए थे, और वहाँ से दिखाई देती है पाकिस्तानी पोस्ट। पता नहीं अभी क्यों बंद कर रखा है, पाकिस्तान से तो इतना पंगा भी नहीं है, चाइना से ही पंगा है। चाइना के भी बंद कर रखा है, चुसुल बंद कर रखा, हल्ले बंद कर रखा है, और ये वाला थांग विलेज बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों। तेयाक्षी जा रहे हैं अभी, 1 किलोमीटर है यहाँ से। लास्ट ईयर भी मैंने सोचा था तुरतुक रुकूंगा या तेयाक्षी में, लेकिन हम थांग से होके उसी टाइम वापस चले गए थे। आना जाना किया था हमें, हम अंदर में रुके हुए थे कैंप में, वहाँ से फिर हम चले गए थे वापसी। बच गया पत्थर के ऊपर। काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं यार, 18 में इतने टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। हम 3 लोग ही आते जाते भी, हमें बस 2-4 लोग ही मिले थे। अभी तो बहुत ही गाड़ियाँ जा रही थी, एक से बढ़कर एक गाड़ी। व्यू देखो यार सामने, बहुत ही खूबसूरत व्यू है सामने देखो। काफ़ी ऊंचाई पे है गांव ये, काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम। अभी भी चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि सारी कंचनजंगा आई थिंक पर्वतमाला दिखाई दे, K2 माउंटेन दिखाई देती है ऊपर से, देखते हैं। और पाकिस्तानी पोस्ट भी नज़र आती है। पूरा हॉट सूख चुका है, और ये गांव में एंटर कर लिया हमने। आठ बज चुके हैं और तेयाक्षी में हम पहुंच चुके हैं। 7:30 वैसे पहुंच गए थे वहाँ, फिर एंट्री वगैरह हमने करी, परमिट वगैरह दिखाया, और ऊपर आ गए हम। और ये पीछे पार्किंग है, अंधेरा हो चुका है। तो K2 होम स्टे में अब स्टे करेंगे, और जो भाईजान है हमारे, तो वो उन्होंने यहाँ पे एक गाड़ी है, कार है, उसमें अपना सामान रख दिया है, और जो ज़रूरी सामान है वो हम ऊपर लेके जा रहे हैं। गाइज़ अभी हम हैं K2 होम स्टे में, और अभी डिनर टाइम है। तो भाई ने बहुत ही बढ़िया डिनर बनाया, अभी खाएंगे और फिर बताएंगे आपको कैसा टेस्ट था। तो अभी हम खा रहे हैं नॉन वेज, मटन और चावल, दाल भी आपके लिए, दाल वेज के लिए दाल है, और रोटी भी है, और सब्जी है कोई, दाल है, अचार है, दाल है। अच्छा चलो अभी खाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। मटन इसमें है,
राजमा दाल राजमा है भाई ये नहीं, इनकी दाल यही होती है। और ये है चावल और ये है रोटी। चलो खाते हैं।